हेलो 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 माय डियर्स, कैसे आप लोग? फुल जोश के साथ है ना माय डियर्स? तो मैं फिर से आ चुका हूँ और यहाँ पर इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा वीडियो का मिडल में है, तो इसीलिए एकदम इस वीडियो को एकदम छोड़ के नहीं जाना है, एकदम वाच करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू। सो जो सब नहीं देखे हैं आप लोग, इसका लेक्चर वन और माइंड मैप, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर वन माइंड मैप, वो देख लिया कीजिए जरूर, ठीक है? इसी क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव अकादमी यूट्यूब चैनल में, क्लास 10 के लिए अलग से क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। एंड उस प्लेलिस्ट में इसके माइंड मैप, इस चैप्टर के माइंड मैप, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रिविज़न ऑफ द चैप्टर। तो माइंड मैप, और उसमें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सब जो डिस्कस करते हैं माइंड मैप, और फिर इसका लेक्चर वन जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये 5 चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं लेक्चर वन, वो इसी प्लेलिस्ट में क्लास 10 साइंस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो पहले देख लीजिए। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। सो माय डियर, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे सर्किट के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो, हम लोग घर में या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारे हम लोग कनेक्ट करते हैं, और सपोज दिस इज द स्विच, यहाँ पर ये स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है। इलेक्ट्रिक स्विच से हम लोग यहाँ पर एक प्लग के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहाँ पर कनेक्ट किए। सपोज यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर एक दिस इज वन टीवी, वी हैव कनेक्टेड ए टीवी हियर, ओके। एंड यहाँ पर फिर ये ऐसे करके करंट आया, ये बाहर से करंट आया है ना, हम लोग का घर में ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये एंटर किया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज थिंक सो मच सीरियस, इट इज सिंपली द पाथवे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स द पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अक्रॉस और थ्रू अप्लायंसेस, है ना। हमारे घर में जो हम लोग ये कनेक्शन किए हैं, कनेक्शन जो किए घर में, देखो घर में जो वायर्स है या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसमें करेंट क्या कर रहा है? करेंट उसमें फ्लो कर रहा है। जितना भी वो करंट फ्लो कर रहा है ना वायर के थ्रू से, या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू से जो करंट कर रहा है, तो करंट का एक वहाँ पर रास्ता है ना, वही रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि दैट पाथवे टू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट जस्ट, ये ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपली रास्ता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथवे, ये रास्ता है जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना माय डियर्स, ये दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वन इज द ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अनदर वन इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? एकदम ध्यान से एकदम देखना है, और वीडियो को एकदम लाइक करना है, जम के एकदम फुल जोश के साथ एकदम लाइक करना है, और फिर शेयर करना है माय डियर्स टू योर फ्रेंड्स एंड मेनी मोर्स हु वांट टू गेट नॉलेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब सबको एकदम शेयर करना है। एंड चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन माई डियर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज दिस ऑल कंज्यूम सो मच टाइम एंड इट इज़ वेरी मच, बहुत इसमें लेबर लगता है बनाने में। तो माई डियर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन। सो यहाँ पर ये सर्किट जो है, सर्किट दो प्रकार, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किसको कहते हैं? सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, ये ऐसे करके यहाँ वन बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, हियर इज वन इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड यहाँ पर ये जो है दिस इज वायर, है ना, यहाँ पर, और ये वायर जो है ये हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक बैटरी, दिस इज वन बैटरी, बैटरी से हम लोग ये कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, कहीं पर घर में अगर चूहा हुआ हो या फिर कुछ के भी कारण से यहाँ पर अगर कट हो जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कोई बोलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम फ्लो करेगा, लेकिन फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वापस इस पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल में आकर के ख़त्म होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा लेकिन यहाँ तक आकर के इसमें फिर नेगेटिव टर्मिनल में वापस नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो पाथवे है ना इलेक्ट्रिक करंट का, ये कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा पाथवे
जो कंप्लीट नहीं होता है, सपोज यहाँ पर बीच में अगर कोई एक ब्रेकेज हो या फिर ये कंप्लीट ना हो, लीक हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पाथवे जो है, पाथवे में लीकेज है यहाँ पर. सो दिस टाइप ऑफ पाथवे इन विच देयर इज समथिंग लीकेज, लीकेज होता है, इस पाथवे को हम लोग क्या, इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. तो यहाँ पर जो ये बल्ब जो है, ये बल्ब जलेगा क्या? ये बल्ब नहीं जलेगा, है ना. द बल्ब विल नॉट ग्लो. वाई? बिकॉज यहाँ पर ये जो इसका पाथवे जो है ना, पाथवे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. अब इसमें आते हैं क्लोज सर्किट, किसको कहते हैं. अगर यहाँ पर ये जो है, अगर बीच में कहीं भी ब्रेकेज लीक ना हो, वायर में अगर कटा फूटा कहीं पर ना हो, तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो है ना, ये पाथवे जो है, इलेक्ट्रिक फ्लो का पाथवे जो है, ये कंप्लीटेड, इट गेट्स कंप्लीटेड, द पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट गेट्स कंप्लीटेड. और इसमें क्या होगा, इसमें बल्ब जो है ना, इसमें बल्ब जलेगा, द बल्ब ग्लोज. दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज, ये जो रास्ता होगा जिसमें कहीं पर बीच में कटा फूटा टूटा कुछ भी नहीं होगा, और उसमें जो है उसके कारण से सर्किट जो है एकदम पूरा, उसका रास्ता जो है एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव से निकलेगा और फिर ये बल्ब में गया, बल्ब में जाने के बाद फिर ये नेगेटिव में वापस आ गया. दैट मीन्स यहाँ पर इसका रास्ता जो है ना, पासेज जो है ना, ये हो गया. इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ना, बल्ब जो है ग्लो करेगा. एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट कहते हैं. क्लियर है माय डियर्स? अगर क्लियर है तो एकदम लाइक कीजिए, लाइक कीजिए. अब इस बात आते हैं हम लोग, बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज नोन एज द ओम्स लॉ. अब ओम्स लॉ आने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं. ये जो अभी हम लोग घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, सपोज फॉर एग्जाम्पल बैटरी इज देयर, है ना, फिर जा करके सेल है, या फिर गलवानो मीटर है, या फिर एम मीटर है, या फिर वोल्ट मीटर है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स ही है, तो ये सब इतने सारे, या फिर टीवी है, फ्रिज है, कोई एक रेफ्रिजरेटर है, तो ये सब सारे अप्लायंसेस जो है, ये सब सारे अप्लायंसेस को जब फिजिसिस्ट जो है, साइंटिस्ट सब वो लोग जब स्टडी करेगा, तो ये सब को बनाने के लिए समय मिलेगा वो लोग के पास. इतना समय है क्या? हम लोग को सबको पता है कि वो लोग का इतना बड़ा बड़ा एकदम दारी होता है, एकदम होता है, साइंटिस्ट सब एकदम अपने दुनिया में एकदम रिसर्च वर्क में एकदम खोए हुए रहते हैं, और वो लोग के पास इतना समय नहीं है कि ये सब बैटरी को, सेल को, गलवानोमीटर को एकदम एक एक करके एकदम अच्छे से एकदम ड्रॉइंग हम लोग जैसे बनाते हैं वो एकदम बनाते रहे. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है ये सब का सिम्बल्स यूज़ करते हैं. बैटरी जो है ना, बैटरी के लिए सिम्बल यूज़ करते हैं, सेल के लिए भी सिम्बल यूज़ करते हैं, सब चीज़ के लिए, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए सिम्बल यूज़ करते हैं. दो सिम्बल जो यूज़ किया जाता है सर्किट में, ओके, दो सिम्बल्स आर नोन एज, हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट सिंबल्स कहते हैं, सर्किट सिंबल्स. तो ये बहुत सारे सर्किट सिंबल्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल बैटरी का अगर हम लोग देखें, तो बैटरी का जो है ना, बैटरी का ऐसे करके होगा, वन विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे लंबा लाइन बनाना है, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये छोटा वाला जो होगा ये नेगेटिव. फिर ये नेगेटिव जो है ये किससे कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा, पता है ना सबको, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सबको पता होगा, मुझसे ज़्यादा ही पता होगा सबको मुझे लग रहा है. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अब ये किससे कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव, अब ये फिर किससे कनेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव, अब ये फिर किससे कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव. तो ये छोटा वाला जो है, दिस आर द नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग डिनोट करते हैं. एंड सेल का फिर कैसे होगा, सेल का जो है ना, एक सिंगल ऐसे करके, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और दैट मीन्स ए बैटरी. व्हाट इज ए बैटरी? बैटरी में क्या है, बैटरी में देखो 1 2 3, यहाँ पर तीन सेल में बनाया हूँ, तीन सेल को मिला करके मैं क्या कहा हूँ, बैटरी कहा हूँ. मतलब बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स. व्हाट इज मीन बाय बैटरी? बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, दो या फिर दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, देन इट इज़ नोन एज बैटरी. इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर, सेल को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर गलवानोमीटर जो है ना, गलवानोमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक कैपिटल जी यूज़ करते हैं, एंड वन एन विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, वन विल बी नेगेटिव होगा. सो दिस इज गलवानोमीटर. एम मीटर को फिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर एक कैपिटल लगे, वन विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, वन विल बी नेगेटिव टर्मिनल. एंड वोल्ट मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए भी ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनल वन नेगेटिव टर्मिनल.
इलेक्ट्रिक वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक वायर को हम लोग स्ट्रेट लाइन के रूप में यूज़ करते हैं। अब ऐसा हो सकता है देखो कहीं कहीं पर कि दो वायर्स जो है कहीं कहीं पर जॉइंट किया हुआ रहे, हम लोग जॉइन करते हैं एक वायर इधर से उधर जा रहा है और फिर हम लोग लटका देते हैं उसमें दूसरा वायर, करंट वहां से खींचते हैं। तो दो वायर्स अगर जॉइन किया हुआ रहे, है ना, टू वायर्स जॉइनिंग, टू वायर्स जॉइनिंग इच अदर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम लोग, इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो दिस इज वन वायर और यहाँ पर इस पॉइंट में ऐसे करके दूसरा वायर ऐसे करके ज्वाइन किया हुआ है। सो दिस इज टू वायर्स ज्वाइनिंग इच अदर। अब ऐसा भी हो सकता है कोई केस अगर बोलोगे कि सर हम लोग के घर में वायर है, एक वायर ऐसे करके जा रहा है, दूसरा वायर जो है उसके नीचे से जा रहा है या फिर उसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट नहीं किया हुआ है, ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए भी सिंबल है। तो देखो वायर्स ओके क्रॉसिंग इच अदर, दो वायर्स क्रॉस करेगा लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दिस इज वन वायर और ये एक वायर इधर जा रहा है और दूसरा वायर जो है ना इसके ऊपर से या फिर नीचे से ऐसे करके पास हो गया। सो दिस इज द सिंबल। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज यूज करेंगे दैट इज द रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ रजिस्टर के बारे में। ये बल्ब जो है ये भी रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है मैं सिंपली एक बार बता देता हूँ। रजिस्टर इज एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट में सपोज ये वायर है, वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसको रोकने का भी, इस वायर के अंदर में उसको रोकने का एक प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट रोकने का इसके अंदर में ही एक प्रॉपर्टी होता है। दैट रोकने का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो चीज़ जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टर। ये हर कंडक्टर में होगा, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसमें एकदम रेजिस्टेंस एकदम पूरा एकदम नील हो या फिर जीरो हो, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है, हर कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी होगा। ओके माय डियर, तो ये रजिस्टर का सिंबल कैसे होगा। रजिस्टर जो है देखो, रजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स रजिस्टर, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं, यहाँ पर उसके भी बारे में देखेंगे। रियोस्टेट का मतलब क्या है, ये है वेरिएबल रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, यानी कि करेंट को रोकने का जो उसका प्रॉपर्टी है, उसका जो कैपेसिटी है, क्षमता है, हम लोग बढ़ा सकते हैं और वो ज़्यादा करेंट को रोकेगा। उसको हम लोग घटा भी सकते हैं, यानी करंट को कम रोकेगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ऐसा वाला रजिस्टर को हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। तो फिक्स रजिस्टर होगा, दिस इज द फिक्स रजिस्टर। हियर फिक्स रजिस्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सिंपली ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज फिक्स रजिस्टर। और जो वेरिएबल रजिस्टर होगा, यानी कि जिसका वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं फिर, उसको हम लोग ऐसे ये रजिस्टर का सिंबल बना देते हैं और उसको जो है ना ऐसे करके हम लोग एरो मार्क देते हैं, या फिर क्या करते हैं ऐसे हम लोग बना दिए और इसके ऊपर में ऐसे एरो मार्क दे देते हैं, दिस इज नोन एज वेरिएबल रजिस्टर, जिसका वैल्यू हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ओके माय डियर, अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि सर इलेक्ट्रिक बल्ब का फिर सिंबल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये बहुत हम लोग यूज़ करने वाले हैं सर्किट डायग्राम बनाने में। पूछा था कभी कभार जो है बोर्ड एकदम पूछता है इलेक्ट्रिक ये बल्ब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का भी होता है। बल्ब इज सिंपली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, देखो ऐसे करके जो है ये साइन को देख करके एकदम कोई मुस्कुराना मत, क्या साइन बनाया है, ये बल्ब का साइन है क्या। हाँ भाई ये बल्ब का ही साइन है, इसको देख करके फिर और कुछ भी एकदम होने नहीं देना है। यहाँ पर किसी का हो रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ द बल्ब, है ना। और फिर कोई अगर पूछेगा कि सर बल्ब का तो बता दिए, फिर स्विच का कैसे होगा, तो स्विच का भी सिंबल है भाई, स्विच का सिंबल है। देखो स्विच का सिंबल कैसे होगा, यहाँ पर ये ऐसे करके ये है स्विच का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ द स्विच। और यहाँ पर ये ओपन अगर स्विच है तो ये कैसे होगा, ओपन स्विच है तो एक एंड पे यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा ऐसे टच रहेगा, ऊपर एंड में टच नहीं रहेगा, दूर में रहेगा। टॉर्च लाइट सब में होते हैं ना, हम लोग ऐसे प्रेस जो करते हैं तो ये यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं, ये इससे कॉन्टैक्ट में जब आ जाएगा तब जो है बल्ब जलने लगेगा। तो देखो
ये क्लोज्ड स्विच फिर कैसे होगा? क्लोज्ड लाइक दिस, जब हम लोग टॉर्च को ऐसे प्रेस कर देंगे बटन को, तब ये ऐसे करके कांटेक्ट में आ जाएगा. सो दिस इज क्लोज स्विच एंड देन द बल्ब विल ग्लो. सो दिस आर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स है ये सब. और ये सब जो है ना पूछता है बोर्ड, ये सब एग्जाम, ये सब सिंबल्स पूछता है. सर्किट डायग्राम, ड्रो ए सर्किट डायग्राम, ऐसे करके पूछता है. तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज द ओम्स लो है. ओम्स लो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर क्लासेस में, क्लास 11 12 में जाओगे तब भी ये जो है ये चीज़ एकदम पीछा नहीं छोड़ने वाला है. सो दैट इज द ओम्स लो. ओम्स लो माय डियर्स, ओम्स लो, देखो ये ओम्स लो जो है ना, देर वॉज ए फिजिसिस्ट नोन एज जॉर्ज साइमन ओम. सो दिस जॉर्ज साइमन ओम जो है ये फेमस बंदा, he proposed this ohms law. कैसे propose किया? He observed that the current flowing across a conductor is directly proportional to potential difference. Suppose यहाँ पर पहले मैं इतना एकदम भाषण नहीं देता, बना देता हूँ. यहाँ पर ये क्या है, ये एक electric wire है. electric wire current flow कर रहा है. suppose current यहाँ पर I flow, I का वैल्यू जो है ना सबसे पहले यहाँ पर 1 एम्पियर है. 1 एम्पियर कब था? जब यहाँ पर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये वायर में जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 10 वोल्ट था, तब करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था. एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. अगर हम लोग अभी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या फिर कम फ्लो करेगा, बोल सकते हो कोई? बोलो बोलो फटाफट. यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू को क्या होगा, करंट कम फ्लो करने लगेगा या फिर ज़्यादा फ्लो करने लगेगा? ऑब्वियसली क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, है ना. फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 5 वोल्ट बना देते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट भी 0.5 एम्पियर समथिंग ऐसा हो जाएगा. मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग घटाते हैं तो करंट भी क्या होगा, अपने आप घटेगा. सो इन्होंने ऑब्जर्व किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, या फिर द करेंट अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना. तो यहाँ पर ये जो है देखो, करेंट जो है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब इसका मतलब क्या है, एकदम फिर से मैं समझाता हूँ, एकदम जब तक नहीं समझोगे तब तक मैं समझाऊंगा. यहाँ पर करंट जो फ्लो करता है ना माय डियर्स, करंट वो किस पे डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है. अगर हम लोग इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, समझ रहे हो ना. अगर इस वायर का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फिर घटाते हैं तो करंट भी क्या होगा, करंट भी कम फ्लो करने लगेगा. सो दिस इज नोन एज ओम्स लो. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो भी जो है इसको प्रोपोर्शनल हम लोग इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमेशा एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है. और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है, दिस इज द कांस्टेंट आर, एंड यहाँ पर आई ऑलरेडी है, सो आर इनटू आई. अब ये आर क्या है माय डियर, आर जो है आर इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और आर इज नोन एज, आर को हम लोग क्या कहते हैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. यही जो अभी जो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, अब आ गया रेजिस्टेंस. यहाँ पर आर जो है ना, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है. सो दिस इक्वेशन दैट इज, इसको हम लोग ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू आई को आगे में रख देते हैं, आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर. सो दिस फॉर्मूला और दिस लो इस नोन एज द ओम्स लो हम लोग कहते हैं. तो अब यहाँ पर आ गया एक दूसरा, एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया. सो व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ पर एक वायर है या फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है, जब ये करंट फ्लो करता है इसमें, करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो हमेशा ये वायर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, करंट आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मैं इस वायर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, सपोज दिस इज द वायर, इसके अंदर में यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है. जब ये करंट आएगा यहाँ पर तो करंट जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिक,
तो ये करंट जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कोई चीज़ अगर अपने अंदर में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका टेंडेंसी क्या हो जाता है, देखो वो क्या करने लगता है, वो एकदम मूव करने लगता है, एकदम उठ जाता है ना। देखते हो ना किसी किसी को अल्कोहल जो कंज्यूम करता है ओवरडोज हो जाता है, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, कोई एकदम रोता है, कोई एकदम गाना गाता है, कोई एकदम बॉसगिरी दिखाता है, कोई एकदम शो ऑफ करता है, कोई एकदम बहुत फिर सैड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, सही मायने में अगर हम लोग देखें तो हम लोग के बॉडी के अंदर में ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उस एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए हम लोग अपने एनवायरनमेंट में एनर्जी को लॉस करेंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है वो बंदा जो है, वो पी करके क्या कर रहा है, वो जो है अपना एनर्जी को जो एक्सेस हो गया है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि अल्कोहल में ना बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी को बाहर निकल रहा है, ऐसे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और ये सही ही होगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो अब वैसे ही करके इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आया फ्लो करके, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू वाइब्रेट फ्रॉम इट्स ऑन पोजिशन। ये अपना पोजिशन से क्या करेगा, ये ऊपर नीचे ऐसे करके वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पर जो ये करंट आया है ना, ये करंट को क्या करेगा, ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है तो ये करंट को रोक लेगा, ये करंट को जो है फ्लो करने नहीं देगा, फ्लो करेगा, करने की कोशिश करेगा तो करंट को एकदम रोकेगा। दिस ये जो रोकने वाला प्रॉपर्टी है, जब एक वायर के, मैं फिर से बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, एकदम अपने तुम्बा में एकदम घुसा करके रखो, फुल जोश के साथ एकदम सुनो माय डियर, जब ये इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर में ट्रेवल करेगा, के अंदर में आएगा, तो इस वायर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेगा, अब वाइब्रेट, इसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगेगा, वही वाइब्रेट जो करने लगता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर देख रहे हो ना, आसानी से यहाँ पर देख लो, डायग्राम में बना दिया हो, रोक रहा है। यही जो रोकने का प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, अक्रॉस ए कंडक्टर, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो माय डियर्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट भी होगा, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो है ना, ये जॉर्ज साइमन ओम जो है ना, इसी का नाम से ये ओम जो है ये लेकर के एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये ओम रखा गया है। तो अब यहाँ पर इसका सिंबल ये है, देख लो ये लेटर है, दिस इज द सिंबल ओम। तो अब यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डिफाइन, क्या पूछ सकता है, डिफाइन वन ओम, या फिर व्हाट इज वन ओम, वन ओम क्या है, वन ओम क्या चीज, वन ओम इज द रेजिस्टेंस, ये क्या चीज है, इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय एक कंडक्टर या फिर एक इलेक्ट्रिक वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो है कितना रेजिस्टेंस, कब ये वन ओम कब डेवलप होगा। तो देखो ये फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये वन ओम जो है ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन ओम, है ना माय डियर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन ओम। और यहाँ पर करंट जो है, करंट को हम लोग करंट को भी हम लोग को यहाँ पर 1 एम्पियर करंट लेना पड़ेगा, दैट इज करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। तो माय डियर अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अब यहाँ पर देखते हैं, तो बाय ओम्स लॉ क्या हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो अब यहाँ पर वी इज इक्वल टू वी निकालते हैं, वी इज इक्वल टू आई, आई कितना है 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है ओम है, दैट इज वी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 वोल्ट। सो व्हाट इज मीन बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर by electric wire on an electric conductor when 1 ampere of electric current, 1 ampere of electric current jab flow karega maintained under 1 ampere of electric current flows across a wire maintained under 1 volt potential difference। मान लेते हैं इस वायर जो है, ये जो वायर है, ये वायर में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये 1 volt है, और 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हुए इस वायर के अंदर में कितना वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और इसमें 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट विल बी 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। समझ गए माय डियर, अगर यहाँ पर एक वायर है, दिस इज ए वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, कितना इलेक्ट्रिक करंट,
वन एम्पियर, ये एक वायर है, इसमें वन एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, और इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये कितना है, ये वन वोल्ट है। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट विल बी वन ओम रेजिस्टेंस होगा। समझ गए? तो आप इससे जो है ना न्यूमेरिकल्स, इससे जो है ना कैलकुलेशन थोड़ा बहुत एकदम प्रैक्टिस कर लेना है। सो माई डियर्स, देखो आज के लिए हम लोग ये ओम्स लॉ जो है ओम्स लॉ तक करते हैं। दिस ओम्स लॉ इज गोइंग टू बी ए वेरी मच यूजफुल टॉपिक फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ का हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा आता है, इससे भी एकदम क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ओम्स लॉ का, तो वो जो है फिर हम लोग कल देखेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर जा करके रेजिस्टिविटी के बारे में, फिर जा करके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दिस आर द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू कवर्ड टुमारो, दैट इज ऑन द लेक्चर नंबर 3। सो माय डियर्स, आज के लिए यहाँ तक एकदम रहते हैं। स्टे मोटिवेटेड विद फुल जोश ऑल द टाइम एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय एवरीवन।